नारायण जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी शाम के बज गए 7:30, तो अब मेरा काम स्टार्ट हो गया रसोई में, थोड़ा लेट हुआ है। तो जी वास्तु ने फरमाइश की है जो बनने की, देखिए ये मैं बना रही हूँ जोए और टिंडे की सब्जी बनाऊंगी। पीछे थोड़ी अभी इसके पापा आने वाले हैं गांव से, गांव गए हैं। तो जी देखिए मेरा मेन मकसद आपको आम के अचार के बारे में बताना है, जो सालों साल 20 साल 10 30 साल नहीं ख़राब होगा। तो ये आम लाए थे, कच्चे आम भी, जाली वाली बोलते हैं इनको, इनको हमने पूरी रात पानी में भिगो के रख दिए हैं, अब सुबह इसका काम होगा। तो जी सुबह के बज गए 8:30, तो हमारा काम हो गया स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमने अपनी रसोई साफ़ करी है, और सुबह उठ के मम्मी ने जो हमने रात को कच्ची आम भी पानी के अंदर मतलब डबोई थी ना, तो वो अब मम्मी निकाल के रख दी यहाँ पे। देखिए देखिए अब ये पूरा सूखेंगे अच्छे से, जैसे गीली थी इनको कपड़े से पूछ पूछ के, जो आगे का प्रोसीजर होगा ये कटिंग करना, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी अब। और अब मैं जाऊँगी ऊपर, कपड़े धोने की मशीन लगानी है, और दूसरी बात मेरे को गमलों में थोड़ा सा काम करना है। तो चलिए तो जी यहाँ मैं अपने, जैसे ये गमला हमारा बड़ा टंकी काट के रख रखे हैं हमने छत पे, तो ये मैं पूरा साफ कर दूँगी, इसमें बहुत सारा घास फूस उगाया है, तो इसको मैं सारा उखाड़ दूँगी और उसको अच्छे से मैं इसकी खुदाई कर दूँगी, और फिर इसके अंदर मैं लगाऊँगी पुदीना, जो इसके पापा लाए थे, जड़ है उसके अंदर बहुत सारे, तो वो मेरे को लगानी है। तो ये सारी सफाई कर देती हूँ, उसके अंदर सिर्फ हरी मिर्ची के जो पेड़ हैं उनको रखूँगी, बाकी सब कुछ उखाड़ दूँगी, और ये गेंदे के फूल के पेड़ हैं इनको नहीं उखाड़ूंगी। तो जी मेन मकसद आपका, आपको मेरे का एक बात बताना है, आम का अचार। और जो डलवाते, जो मेरी वीडियो देखते, जिन्होंने हमसे डलवा रखा है, वो भी देखते होंगे, प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं सच बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ। जो अचार मम्मी डालती है ना, वो किसी को भी नहीं आता होगा, क्योंकि मम्मी के हाथ का अचार और ऐसा स्वाद अचार सालों साल चलता है। तो मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरा व्लॉग रेगुलर देखना, किसी को आम का अचार सीखना हो तो, और अच्छे से भाई रखना हो तो, मेरे इस ब्लॉग इस आज से मेरा स्टार्ट ब्लॉग हो गया आम के अचार के बारे में। साथ साथ मैं अपना बीच बीच में काम करती रहूँगी और आपको अचार के बारे में बताती रहूँगी, क्योंकि आम का अचार ऐसा नहीं डालेंगे, इंस्टेंट वाला नहीं है ये, है आराम आराम से प्रोसीजर होगा इसका, इसलिए मैं आम के अचार के बारे में भाई जैसे जैसे हमारे घर में डेली रूटीन जो बनेगा आम के अचार के बारे में, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आज से मेरा व्लॉग पूरा देखना जब तक मेरा आम का अचार डलेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको सीखना या नहीं सीखना है वो आप सबकी मर्ज़ी है। तो जी मैंने अपना सारा गमला पूरा साफ कर दिया बिल्कुल आपसे बातें करते करते, और अब मैं इसकी करती हूँ खुदाई स्टार्ट। मुझे बहुत दिन हो गए गमले संभाले अपने,
बहुत ज्यादा ऊपर तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती होगी है ना। क्या करें बहुत गर्मी है। तो जी मैंने अपने गमले सारे खुदाई कर दिए, इसमें मैंने पौधे लगा दिया है, सफाई कर दी और पानी भी दे दिया है। तो अब मैं जाऊंगी नीचे, मैंने कपड़े धोने की मशीन भी अपनी लगा दी है क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं अपना भाई सारा काम की तैयारी कर रही हूँ। राम के आचार के बारे में भी आपको बताती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। तो जी देखिए अब मम्मी आ गई है नहा धो के, अपना मम्मी ने सारा काम स्टार्ट कर दिया। तो आज मम्मी इनकी कटिंग करेगी क्योंकि पूरी रात पानी में भिगोई रखी थी, तो सुबह हमने ये निकाल के रख दी थी। कपड़े से मम्मी ने सारी आंबियाँ ये जैसे पूछ दी हैं, साफ़ कर दी हैं, और अब मम्मी इनके ऊपर से नाखून काट रही है और भी इसकी कटिंग स्टार्ट कर रखी है। ये जाली वाली आंबी है। तो अब प्लीज़ व्लॉग पूरा देखना मेरा आम के अचार के बारे में। मैं बीच में भी कहीं जाऊँगी तो मैं यहाँ पर बोल के जाऊँगी भाई खुशी को, ताकि मेरा व्लॉग बना लेगी यहाँ पर रह के। वो आम का अचार जो जो मेरे पीछे से मम्मी करेगी वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग मेरा पूरा देखना, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ उसके अंदर ऐड कर करके मैं आम के अचार के बारे में आपको अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि ये है लंबा प्रोसीजर आम के अचार के बारे में। तो एकदम से भाई एक दिन में तो डल नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं भाई जितना जिस दिन जो होगा उस दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ये ब्लॉग पूरा देखते रहना क्योंकि ऐसा अचार किसी को भी नहीं आता डालना, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ आप सबको। तो जी अब मम्मी ने कटिंग स्टार्ट कर दी और मैंने अपना पूरा घर का काम सारा कर दिया है। जो कटिंग होने के बाद जो प्रोसीजर होगा वो भी मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो मैं यही हूँ, शायद आज और तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर आप सबको। तो जी देखिए मम्मी आपको अब उठा के दिखाएगी कैसी कटिंग की मम्मी ने, नहीं तो ज़्यादा मोटी है नहीं ज़्यादा पतली है, मीडियम आकार की मम्मी ने ये आम्बी काटना स्टार्ट कर दिया है। कच्चे आम्बी केरी बोलते हैं इनको भाई, हम आम्बी बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलती, बहुत से लोग कैरी बोलते हैं, हम आम्बी बोलते हैं। तो देखिए ये मम्मी ने आपको दिखाई है बिल्कुल कैसी कटिंग की है, नहीं छोटी है नहीं बड़ी है। तो जी चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मेरा काम पूरा फाइनली हो गया है, बस मेरे कपड़े धोने रह रहे हैं बाकी, अभी मैं ऊपर जाऊँगी उनको साफ निचोड़ना है सुखाना, ये मेरा काम अभी बाकी है। तो जी चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मेरी राम राम। और प्लीज़ चैनल पे आ तो सब्सक्राइब लाइक और व्लॉग को पूरा देख लिया करो।